हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम पूजा दिवाकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई एम ऑल डेक्ड अप और आज हम निकल रहे हैं 2-3 दिन के स्टे के लिए। वीकेंड वाइब्स है एंड आरू का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है, तो जस्ट सोचा कि थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करते हैं, बिकॉज मोर देन आरू इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल वीक फॉर मी, क्योंकि इनके पीछे पढ़ना, पढ़ाई कराना, और जब वो स्कूल जाता था तो मोर देन हिम आई वॉज स्ट्रेस्ड कि पता नहीं कुछ कर भी रहा है कि नहीं, इज ही राइटिंग और नॉट। सो आई गेस इसलिए ये गेट अवे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू रिमाइंड अर सेल्फ, जस्ट टू रिजेनोवेट एंड टू फिल इन लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन आर सेल्फ। सो चलो, लेट्स गो। गाइस देखिए, व्हाट अ व्यू, इट इज सो ब्यूटीफुल, मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम जस्ट सो स्पीचलेस। एंड अभी आप देख सकते हैं, लोग लिटरली रुक रुक के थे, वो कैप्चरिंग द मोमेंट। इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल, सो मेसमराइजिंग। ये हमारे डेस्टिनेशन के बीच का रोड है एंड ट्रस्ट मी गाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। It was like next to heaven on earth. So guys, हम हिल्टन पहुंच गए हैं। नमस्ते। So we are here at the waiting area doing a check-in procedure. Meantime, मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ what exactly it looks like. And बहुत beautiful था and बस इट वॉज सो कैप्टिवेटिंग, मैंने सोचा चलो मैं फटाफट कैप्चर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल प्लेस का ग्लिम्प्स, लाइक हाउ ब्यूटीफुल एंड हेवनली इट लुक्स। सो यस गाइज, वी हैव रीच्ड शिलिम हिल्टन लोनावला। दिस इज़ अ सेकेंड टाइम स्टे विद दिस होटल एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इट्स वेरी मेसमराइजिंग। ईवा का ये फर्स्ट टाइम है एंड आई कैन नॉट से दैट हाउ हैप्पी आई एम टू कम योर एंड जस्ट रिवाइंड एंड रीजनरेट माई सेल्फ। सो बच्चों की भी फोटोग्राफी वॉज अ कंपल्शन, ये बहुत ही फोटोजेनिक एरिया था, सो जस्ट थॉट ऑफ कैप्चरिंग अ ब्यूटिफुल वीडियो एंड लकली दोनों ने कोऑपरेट किया। सो गाइज, वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द कार टू पिक अस अप सो दैट वो हमें हमारे विला तक लेके जाए। यहाँ पे ऐसा एक रूल है कि यू नीड टू पार्क योर कार इन द वैली एंड देर आर सेपरेट कार्स फॉर यू फ्रॉम द रिसेप्शन टिल योर विला, दे आर गोइंग टू एस्कॉर्ट यू टिल देयर एंड दे आर गोइंग टू टेक यू। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे टर्न का एंड द मोमेंट द कार कम्स व्हील को। तो गाइज, आप ये देख रहे हैं, ये टाटा नैनो आई है और जितने भी गेस्ट है ये इन्हीं नैनो में ऊपर नीचे अंदर बाहर सब करते हैं। अभी हम कार में बैठ के जा रहे हैं हमारे विला के तरफ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर विला एंड ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा दूँ यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल है एंड ये टाटा नैनो इज सो कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आ रहा है। सो वी हैव रीच द विला फाइनली एंड देखिए कितना अच्छा है, इट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। सी देखिए, और
Now we enter the villa. Oh wow, lovely. बारिश में तो क्या मजा आता होगा, बट एक ये है कि आप फिर निकल नहीं सकते रूम से. सो गाइस देखिए हम वहां से आए एंड लुक एट द व्यू. और चलिए चलते हैं हम. So let's check this area. Oh wow, lovely. So this is the washroom. Here's the bathtub. And wow, यहाँ पे भी एक open area है to take a bath. Everyone settling in the room, अपना अपना piece of tour enjoy करते हुए. सो गाइज हम लोग फाइनली रूम में आ गए. आपने तो टूर देख ही लिया है. तो गाइज हिल्टन का एक है कि जो शिलिम हिल्टन है दिस कम्स थोड़ा अंदर अ लिटिल फार फ्रॉम लोनावला, बट कैसे एम्बे वैली से भी बहुत आगे है ये. तो है थोड़ा ड्राइव है, रोड्स थोड़े ख़राब है, थोड़े अच्छे हैं, बट येस इट इज़ अ टास्क टू कम हियर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि अरे यार कहाँ जा रहे हैं हम, वेयर इज़ इट, कितना दूर है. बट द मोमेंट आप यहाँ पे पहुँचते हैं ना तो इट्स अ बिग रिलीफ, ट्रस्ट मी. एंड ये तो हमारा बहुत ही सडन प्लान बना था. आइडियली आप कभी भी MMT पे देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट और ऑन अ वेरी हायर रेट्स, बट दिस टाइम दिस वॉज अ लक एंड एवरीथिंग फॉल इन प्लेस एट द राइट टाइम. तो येस इंजॉइंग अ मिनी वेकेशन. सो गाइज हमारा लंच हो गया है. एक्चुअली मैंने लंच थोड़ा सा घर से बना के लेके आई थी कंसिडरिंग द किड्स, क्योंकि आरो का क्या होता है हम लोग कहीं भी जाते हैं ना उसको पहुंचते से तुरंत भूख लग जाती है, इनफैक्ट पहुंचने से पहले ही. सो आई वाज लाइक क्योंकि यहाँ पे है कि इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज प्रॉपर्टी, तो मैं थोड़ा सा घर से खाना लेके आई एंड वी हैड मैकडी स्टफ सो वी वर फुल. एंड अभी यहाँ पे ऐसा है ना मौसम, इट इज़ रेनिंग एंड देन रुक स्टॉप हो रहा है, देन इट इज़ रेनिंग फिर रुक जा रहा है, तो उस वजह से हम फिलहाल तो कहीं नहीं जा पा रहे. विल टेक अ बिट ऑफ रेस्ट, फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं. अगर हमको हमारा कहीं जाना होगा और इफ़ वी आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी, और आई शुड से इफ़ वी गेट अ चांस टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी, तो हम पक्का कहीं जाएंगे यहाँ पे कैफेटेरियाज में एंड किड्स प्ले एरिया में एंड देयर अ स्ट्रीम वॉक एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. अगर मौका मिलता है, इफ़ इट डज नॉट रेन, तो मैं पक्का आपको बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं. दोस्तों फिलहाल तो ये देखिए हाउ क्लाउडी इट हैज बिकम. जब हम लोग आए थे ना इट वॉज पार्शियल सनी एंड अब देखिए. आई डू नॉट नो वेदर द कैमरा इज डूइंग जस्टिस, बट यस देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं. ये देखिए जस्ट बारिश आके गई. सो गाइज हमने मंगवाई है सैंडविच एंड टेकिंग दिस व्यू वी आर गोना हैव अ टी एंड स्नैक्स. शो मी आरू ओपन. वाओ दिस लुक्स रियली टेस्टी एंड दिस इज वेजेस और ये कुछ ग्रीन सैलड उन्होंने दिया है साथ में अलोंग विद द टी. अभी रेनिंग हैविली, नॉट हैविली बट येस इट इज रेनिंग, तो हम कोई भी जगह जा नहीं सकते ऑब्वियसली बिकॉज बारिश है, तो आउटडोर है सब मोस्टली, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसलिए हमने रूम में ही टी स्नैक्स मंगवाए और अब मैं आपको खाकर बताती हूँ सब कैसा रहा है. Thank you.
गाइस हमारा डिनर हो चुका है, हम लोग कहीं जा नहीं पाए सिंस इट वॉज रेनिंग, बट येस रूम में बैठ के बहुत मस्ती किया, बहुत मजे आए. खैर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइक आफ्टर काफ़ी टाइम बाद जब हम नेचर से कनेक्ट करते तो बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो रिलैक्स और रिलीव्ड एंड बहुत मज़ा आ रहा था. तो येस दिस इज़ अप फॉर टुडे, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो. तब तक के लिए स्टे हिट स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे टुगेदर अंटिल नेक्स्ट टाइम. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लव यू ऑल.